हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप स्टार प्लेयर का काम सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस रिले को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये रिले को नहीं समझोगे तब तक आप स्टार प्लेयर का काम नहीं कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे आप। अगर इस रिले को आप समझ जाओगे तो आप स्टार प्लेयर का काम 50% सीख जाओगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस रिले के बारे में बताने वाला हूँ। जो लोग न्यू मैकेनिक हो, जो लोग स्टार प्लेयर का काम सीखना चाहते हो, नए नए हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आप मेरी पूरा वीडियो को देखो, आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस रिले के बारे में, वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे रिले रखा हुआ है, लेकिन आपको एक ही रिले समझना है। एक रिले को समझ जाओगे तो आप सारे रिले को समझ जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिले को बारे में आपको बता दूं कि कौन सा रिले कहां पर लगते हैं। तो आप देख सकते हो, ये है ऑन सीओ रिले, इसका नाम है ऑन सीओ रिले, ठीक है। और इसका नाम है टू सीओ रिले, दोनों 10 एम्पियर का है, ठीक है। आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देख सकते हो यहां पर 10 एम्पियर है, और ये रिले भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो ये भी 10 एम्पियर 12 वोल्ट का है, दोनों 12 वोल्ट में काम करते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों एम्पियर एक ही एम्पियर का है, लेकिन ये 2 सीओ रिले है, ये 1 सीओ रिले है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटो कट किट में लगा हुआ रहता है, ये लगभग 7 एम्पियर का है, तो ये भी 1 सीओ रिले है, ठीक है। हम 1 सीओ और 2 सीओ के बारे में अभी आपको बताते हैं, पहले हम आपको रिले समझा देते हैं कि कौन सा रिले कौन क्या है। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये भी 2 सीओ रिले है, ठीक है। ये रिले भी 2 सीओ है, लेकिन ये 24 एम्पियर का है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑन सीओ रिले है, ये 25 एम्पियर का है। ये 24 एम्पियर का 2 सीओ रिले है, ये 25 एम्पियर का ऑन सीओ रिले है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रिले भी ऑन सीओ है, ये 10 एम्पियर का है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले ऑन सीओ और 2 सीओ के बारे में बात करते हैं। तो इसका पोल के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो मैंने ऑन सीओ रिले ले लिया, अब इस ऑन सीओ रिले के बारे में बताते हैं और आपको चेक करके भी दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में 50% स्टार प्लेयर का काम। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऑन सीओ रिले में 5 पिन है, देख सकते हो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन 2 सीओ रिले जो है इसमें 8 पिन है, ठीक है। आप देख सकते हो, आप गिन सकते हो यहाँ पर 8 पिन का है ये 2 सीओ रिले है। तो आपको ऑन सीओ रिले के बारे में आपको बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ऑन सीओ रिले के बारे में आप देख सकते हो, ये जो सबसे ऊपर वाला पिन है, वाला पिन को एनसी कहा जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पिन है एनसी कहा जाता है, और उससे नीचे वाला जो पिन है, ये वाला पिन आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसको एनओ कहा जाता है। और ये वाला पिन आप देख सकते हो, इसको कॉमन पिन कहा जाता है, ठीक है, कॉमन पिन। और सबसे नीचे वाला जो दो पिन है, देखिए ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, दोनों पिन इसको कॉयल पिन है, दोनों पिन ये कॉयल पिन है। इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, और 24 वोल्ट का रिले रहेगा तो 24 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इस बार मैं 8 पिन का रिले के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एन सी है, तो ये दोनों पिन एन सी है, मतलब ये इसमें डबल काम करते हैं। ये रिले जो है 1 सीओ का है, और ये 2 सीओ का है, मतलब 2 सीओ का मतलब ये डबल काम करता है। तो ये सबसे ऊपर वाला पिन एनसी है, तो इसका सबसे ऊपर वाला पिन जो है, दोनों पिन ये वाला और ये वाला एनसी पिन कहाँ आता है। और इसका नीचे वाला पिन आप देख सकते हो एनओ है, तो इसके नीचे वाला दोनों पिन ये वाला और ये वाला एनओ है, ठीक है। और इसका थर्ड वाला पिन आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन पिन कहाँ जाता है, तो इसका दोनों पिन ये वाला और ये वाला कॉमन पिन है, और नीचे वाला ये दोनों कॉयल का है, जैसे इसमें लगा हुआ है कॉयल का, इसी तरह। अब हम रिले के डायग्राम आपको दिखाते हैं किस तरह काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर एनसी वाला पिन, तो यहाँ पर एनसी आप देख सकते हो, और ये एनओ और ये कॉमन, ठीक है। तो कॉमन के साथ इसका कनेक्शन रहता है, एक पत्ती लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर सटा रहता है, ठीक है, एनसी के साथ सटा हुआ रहता है, ओके। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी मतलब कॉयल का जो पिन है,
तो कॉइल इस तरह से रहते हैं, इस तरह से कॉइल रहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर माइनस और प्लस 12 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही इसको 12 वोल्ट सप्लाई मिल जाता है तो ये कमन और एनसी जो जुड़ा हुआ है, ये एनसी को छोड़ के ये एनओ में आके सड़ जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही 12 वोल्ट कट जाते हैं तो फिर ये आपस एनसी में मिल जाता है। तो इस तरह से रिले काम करते हैं। चलिए हम एक रिले को ओपन करके आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एक रिले को ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हो इसमें एक पत्ती लगा हुआ है, ठीक है। और ये एनसी पिन के साथ सटा हुआ है, ये पत्ती देख सकते हो। ये कॉमन पिन जो है, कॉमन पिन का जो ये पत्ती है ये एनसी में लगा हुआ रहता है, ठीक है। और जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल 12 वोल्ट में सप्लाई दिया गया है। और यहाँ 12 वोल्ट जैसे ही मिलता है तो ये एनसी को छोड़ के ये एनओ में आके सड़ जाता है, मतलब इस पिन के साथ ये कॉमन पिन सड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मतलब 12 वोल्ट मिलता है तो ये मैग्नेट का काम करते हैं, और मैग्नेट जब काम करते हैं तो इसको आप देख सकते हो इसको नीचे खींच लेता है, इस पत्ती को नीचे खींच लेता है। तो इस तरह से रिले काम करता है। अब एक रिले को हम एक बल्ब के द्वारा ऑन ऑफ करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आपको समझाने के लिए मैंने एक होल्डर बल्ब ले लिया, और हम क्या किया आप देख सकते हो, जो होल्डर में लगा हुआ दो वायर है, एक फेज का और एक न्यूट्रल का, तो कोई सा भी एक वायर को बीच से मैंने कट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो दो वायर में एक वायर को कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कट कर दिया इस कट वाला पॉइंट को हम इस रिले के साथ कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने कट कर दिया, ये दोनों में से कोई एक वायर को हम यहाँ पर इस रिले के एनसी के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए हम एनसी के साथ जोड़ देते हैं। आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि रिले किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने एनसी के साथ जोड़ दिया। अब दूसरा रिले को हम क्या करेंगे, इस कॉमन वाला वायर के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये देख सकते हो कॉमन वाला जो पोल है उसके साथ इस वायर को हम जोड़ देंगे। चलिए हम जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कॉमन वाला वायर को जोड़ दिया, किस तरह से कनेक्शन किया आप देख सकते हो। एक वायर डायरेक्ट आ रहा है और बीच से मैंने एक वायर को कट के एक वायर मैंने एनसी में लगाया और एक वायर मैंने कॉमन में लगाया, ठीक है। अब इसमें मैं पावर दूंगा और एक 12 वोल्ट सप्लाई लूंगा। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट सप्लाई लगाऊँ, चलिए एक 12 वोल्ट सप्लाई ले लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने एक 12 वोल्ट का एक माइनस प्लस वायर ले लिया, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट सप्लाई है, और रिले का जो है, रिले का कोई माइनस प्लस नहीं होता, आप किधर भी कोई सा भी वायर को जोड़ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, इसमें कॉइल लगा हुआ, ठीक है। तो हम एक वायर को जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक वायर को हम खाली रखेंगे सिर्फ आपको दिखाने के लिए। चलिए हम 12 वोल्ट का एक वायर हम जोड़ देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसको जोड़ दिया, ओके। अब एक वायर को हम अभी खाली रखा आपको दिखाने के लिए, अब हम इसमें पावर देंगे, ठीक है। चलिए हम इसे पावर दे देते हैं। तब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बल्ब जलने लगा, जैसे ही मैंने पावर दिया ये बल्ब जलने लगा है, ठीक है। अब हम इसमें 12 वोल्ट देंगे रिले को और आपको दिखाएंगे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, तब देख सकते हो जैसे ही 12 वोल्ट सप्लाई देता हूँ ये बंद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 12 वोल्ट मैं कट कर देता हूँ तो ये बल्ब जलने लगेगा। अब देखिए अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। चलिए हम रिले को बाहर निकाल के आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये पत्ती किस तरह से काम करता है। तब पत्ती पे ध्यान दीजिए, जैसे ही हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे पत्ती यहाँ से एनसी से हट के एनओ में आ जाएगा और ये बल्ब बंद हो जाएगा। तब देख सकते हो फ्रेंड्स ये पत्ती किस तरह से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको 100 वाट के बल्ब को आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एलईडी बल्ब थोड़ा कैमरा में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैंने 100 वाट का बल्ब आपके लिए ले लिए। अब मैं इसको चेक करके दिखा दूँ किस तरह से ये काम करते हैं। तो चलिए हम इसमें पावर दे दिए और आप देख सकते हो ये बल्ब जलने लगा। अब देखिए हम जैसे ही 12 वोल्ट इसमें देंगे तो अभी एनसी के साथ जुड़ा हुआ है ये पोल, एनओ के पास साथ आ जाएगा और ये बिजली जो है कट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड ये किस तरह से काम करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं तो आई होप आप समझ गए हो फ्रेंड्स कि किस तरह से रिले काम करता है। और आपको कोई दिक्कत हो दूसरा रिले के बारे में भी जानना है तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, आपको प्रॉब्लम होगा तो।